देवेंद्र नुक कर्नाटक ऑन द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पर्यावरण पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ की कई छात्राएं मौजूद हैं। हमारे इस नाटक के चार मुख्य सहभागी हैं, जो कि है रिया। रिया बनी है 7th स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट, जो कि अपने पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और अपने पर्यावरण को लेकर के इनके दिल में और इनके विचारों में कई सारे प्रश्न उठते हैं, जिसके उत्तर आज सबको देना पड़ेगा। और अर्चिता सिंह, जो कि इनके पिता का रोल निभा रहे हैं, श्वेता सिंह, जो कि इनकी माता का रोल निभा रही हैं, और अनिका सिंह, जो कि इनके टीचर का रोल अदा कर रही हैं, और मैं यानी कि अपने स्कूल की प्रिंसिपल। थैंक यू एवरीवन। रिया, रिया बेटा उठो, रिया जल्दी उठो, तुम्हारा आज सेमिनार है ना, जल्दी उठो, एनवायरनमेंट में जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, टिफिन दे रहे हैं। मम्मी मेरा टिफिन दे दो जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। पॉज करो, ये लो बेटा टिफिन। बाय बेटा। हाय एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका सेमिनार है। यस मैम। किस पे सेमिनार आप लोग? पर्यावरण पे। आप सब बता सकते हैं पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण के साथ साथ पर्यावरण हमारा जीवन है, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। अगर पर्यावरण में हमारा पानी नहीं होगा तो हम आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? अपने पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ पौधे होंगे तो हमें उतने ही अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या आप लोग जीवित रह सकते हैं? इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें अपने वाटर को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना वाटर सेव करके नहीं रखेंगे, आगे वाली जनरेशन को इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है। हम सब देखते हैं कि कहीं भी पानी बह रहा है, हमें उसको स्टोर करके रखना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, कोई बताइए एनवायरनमेंट के बारे में। जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, हमारा पर्यावरण कहलाता है। मैम, पर्यावरण में मतलब हम लोगों को देखती मैम, पेड़ पौधे, इस समय पेड़ पौधों की बहुत कटाई हो रही है, जिससे हम मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे CO2 लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए मैम हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और कारखानों के गंदे पानी को कूड़े कचरे को साफ पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारी पानी प्रदूषित ना हो। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक सब लोग जलाते हैं। यस मैम। प्लास्टिक जलाने पे जो उसका गंदा धुआं निकलता है, वो हमारी ओजोन लेयर पे कितना ज्यादा इफेक्ट करता है, क्या आप सब इसका अनुमान लगा सकते हैं? हमें प्लास्टिक नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि हमारी ओजोन गैस पे बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप सब मेरे साथ कुछ लाइनें बोलिए। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। हम अपने आदरणीय प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को पता होगा ना कि हम क्यों एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं? किस चीज पे सेमिनार है? हाँ, तो जैसा कि आप लोग को अनिका मैम ने ऑलरेडी बता ही दिया होगा कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। है ना जरूरी? आप लोगों ने अपनी बुक्स में एक चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा होगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी नीड्स को तो पूरा करें, बट विदाउट हार्मिंग द नीड ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम अपनी सारी जरूरतों का ध्यान रखें, सारी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर के लोगों की भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, है ना? अकॉर्डिंग टू 2022 में एक रिपोर्ट जारी की है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से लेके डिपार्टमेंट ने, जिसमें यह बताया गया है कि मीथेन गैस, जो कि प्राइमरी सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से आती है, जो कि मीथेन गैस हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इस टाइम पे मीथेन गैस को सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस बताया गया है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो मीथेन गैस को कम से कम रिलीज होने दे। आप लोगों ने देखा होगा गाय के गोबर से मीथेन गैस रिलीज होती है। ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम यूज करते हैं अपने खेतों के उपजाऊ अच्छे उपजाऊ बनाने के लिए,
उसमें भी मीथेन गैस रिलीज होती है। इस टाइम पे हमारे देश में नई नई टाइप के डिसीजेस फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि हमारा देश प्रदूषित है। प्रदूषण के कारण ही नई नई तरह की डिसीजेस फैलती हैं। कई बहुत सारी और गैसेज है जिसकी वजह से हमारा देश दूषित हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रिज में आप लोग ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ना, उसमें क्लोरोफ्लोरो गैस फिल की जाती है और वो क्लोरोफ्लोरो गैस इतनी हार्मफुल है कि जब वो रिलीज होती है ना, जो हम लोग का ओजोन लेयर में होल हो रहा है ना, वो सिर्फ इन्हीं सब हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रहा है। तो आप सब ध्यान रखिए कि अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही है, पर हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। ओके ओके मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। रुको रिया, हम भी चल रहे हैं। आगे बेटा रिया, चलो बेटा खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी। चलो थोड़ी देर बाद खा लेना। रिया अब तो बहुत देर हो गई है बेटा, क्या हुआ रिया? चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ बोला है तुमसे? टीचर ने डांटा है? नहीं मम्मी। क्या हुआ है बेटा? रुको अभी तुम्हारे पापा को कॉल करते हैं, वही बताएंगे तुम्हें। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। जल्दी आइए, पता नहीं रिया को क्या हो गया, जब से स्कूल से आई है ना खा रही है ना पी रही है, बस मुंह बना के बैठी है। जल्दी आइए। ठीक है, आ रहा हूँ। आ गए आप? हाँ। चलिए देखिए रिया को पता नहीं क्या हो गया, जब से आई है ना खा रही है ना पी रही है, मुंह बना के बैठी है। चलिए पूछिए बेटा। रिया क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं पापा। चलो खाना खा लो। कोई कुछ बोला है? नहीं। किसी दोस्त ने कुछ? क्या हुआ है तुम पूछे हो? हाँ पूछे हैं, पर बता ही नहीं रही है, जब से आई है तब से मुंह बना के बैठी है। एक काम करिए, इसके दोस्त को कॉल करके पूछिए क्या हुआ है। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। जी अंकल, आज स्कूल में कुछ हुआ था क्या बेटा? नहीं अंकल, आज स्कूल में कुछ नहीं हुआ। रिया जब से आई है तब से कुछ खाई पी नहीं है? नहीं अंकल, मैंने उससे कहा था साथ में घर चले, तो वो भी ऐसे ही चली गई थी घर, और कुछ नहीं हुआ आज। ठीक है बेटा, एक काम करिए आप मैम को कॉल करिए, उनको पता होगा क्या हुआ है, कहीं उन्होंने डांटा तो नहीं है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं रिया का फादर बोल रहा हूँ। जी बताइए मैम, आज स्कूल में कुछ हुआ था क्या? नहीं आज तो कॉलेज स्कूल में कुछ नहीं हुआ है, आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था एक एनवायरनमेंट पे, बस उसी में थोड़ी देर क्लास चली थी, फिर तो छुट्टी हो गई थी, सब चले गए थे घर अपने। मैम रिया जब से आई तब से कुछ खाई थी नहीं? जी अभी बताते हैं। एक काम करिए, प्रिंसिपल मैम को कॉल करिए, उनको पक्का पता होगा क्या हुआ है। ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं रिया का फादर बोल रहा हूँ। जी रिया कौन सी क्लास में है? सेवन्थ स्टैंडर्ड में। ओके बोलिए। मैम आज रिया जब से स्कूल से आई है तब से कुछ खाई पी नहीं है, बस बैठी है। जी ठीक है, फिर हम अभी आते हैं, फिर बताते हैं कि क्या हुआ है, कोई बात है। ठीक है, अभी आ रहे हैं, वेट करिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। क्या बोली है मैम? मैम बोली है कि सेमिनार था तो कुछ हुआ नहीं है, बस प्रोग्राम था, तो मैम आ रही हैं घर पे। ठीक है, लगता है मैम आ गई हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम चल के रिया को देखिए, पता नहीं क्या हो गया, जब से आई मुंह बनाई है ना खा रही है ना पी रही है, पूछिए क्या हुआ रिया? क्या हुआ? कुछ तो आपकी मम्मी बोल रही है, कुछ खाया है ना आपने, पिया है, क्या हुआ है? स्कूल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं मैम, आप ही पूछिए क्या हुआ इसे। बेटा रिया बोलो ना आपको क्या हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहा है या कोई दिक्कत है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अगर आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे ना। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो कि प्रॉब्लम तो बताओ बेटा। बोलो रिया, आप रिया की मदर है, एक बार आप ट्राई करके देखिए फिर से। बेटा क्या हुआ है अब तो बता दो, अब तो मैम भी पूछ रही है, बताओ। चलो खाना खा लो बेटा। माँ अगर हम आज तो खा लेंगे, लेकिन हम कल क्या खाएंगे? कल हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, जिस तरीके से हम प्रदूषण फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, संसाधनों का इतना अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए कल कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम सब कल क्या खाएंगे? कल कोई अनाज नहीं होगा, कोई पैदावार नहीं होगा, तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्या खाएंगे? मैं इतनी पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहती हूँ कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके मैं हिस्सा खा जाऊँ, हक खा जाऊँ, उनका कुछ बचे ही ना उनके लिए खाने के लिए। रिया मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि जो अनीता मैम का सेमिनार था एनवायरनमेंट पे, उस पर उन 70 बच्चों ने उतना विचार विमर्श नहीं किया होगा जितना कि आपने किया है। अगर आप जैसी ही सोच हमारे इस युवा पीढ़ी के हर
एक बच्चे के अंदर आ जाए तो आज हमारे देश में बिल्कुल भी प्रदूषण ना होता, हमारा देश सुरक्षित होता। और इसी के साथ हम सब आज एक प्रण लेंगे। आइए सभी लोग, आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण को जीवन की तरह सुरक्षित रखेंगे और हम सब पर्यावरण के विषय में अपने साथ औरों को भी जागरूक करेंगे।